स्टार्ट। मेरा नाम डॉक्टर गौरव भारद्वाज है। मैं पीजेवीआरएस का चेयरमैन हूँ। हमारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड फर्म है। हमारे अराउंड द ग्लोब 36 सेंटर्स हैं, जो ज्योतिष के सेंटर्स हमारे क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स चला रहे हैं। मैं ये फ्री कोर्स ना बहुत टाइम से कराना चाह रहा था। जब भी मैं फ्री वर्कशॉप कराता था या कुछ भी कराता था, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते थे या सब कुछ आता था कि सर फ्री वर्कशॉप में बहुत ज्यादा सीखा नहीं जाता, एटलीस्ट हमें बेसिक कोर्स तो सिखाओ। तो इसमें मुझे कुछ चीजें एडवांस में भी बतानी है। ये कोर्स जो रहेगा ना, इसमें बेसिक स्क्रैच लेवल से शुरू करेंगे और इसमें इतनी यूनिक प्रिडिक्शंस तक हम लेके जाएंगे जो हर कोई नहीं सिखाता है अपने पेड कोर्सेज में। इवन मैं आज मैं इतना बोलूंगा कि जैसे स्वाति मेश्राम वगैरह जिन्होंने मेरे यहाँ से एडवांस कोर्स भी किया है ना, उनको भी इस कोर्स में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उनको भी मैं कम से कम भी 40% मटेरियल ऐसा दूंगा जो वो सीख सकेंगे। ठीक है, हर व्यक्ति को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आपको पूरे इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। इसलिए लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मेरे बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें पता है मैं हमेशा ना इंटरेक्शन करने में बिलीव करता हूँ, और आमने सामने हम इंटरेक्शन करते हैं। तो इंटरेक्शन से जो आदमी को लर्निंग होती है, जो सीखता है आदमी, वो वैसे नहीं सीखता है। आप जितना समझोगे ना उतना बढ़िया है। और बेस्ट मेथड ये है कि आप पहले सीखें, सुने मेरे को यहाँ पे, बाद में इसके नोट्स बनाएं, बाद में इसके नोट्स बनाएं। आज आप लोगों का फर्स्ट डे है, तो कोई 15 मिनट लेट ज्वाइन कर रहा है, कोई 20 मिनट लेट ज्वाइन कर रहा है। फ्री कोर्स है, इसका मतलब ना मजाक नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेरा नेचर वही रहेगा, मेरा स्टाइल वही रहेगा पढ़ाने का। ठीक है जी, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, ना मेरी चेंज होने की उम्र है। टाइम पे आना है, टाइम पे ज्वाइन करना है। मैं 11 बजे शार्प शुरू कर देता हूँ, मतलब 11 बजे शार्प शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई 11:15 ज्वाइन कर रहा है, कोई 11:20 पे ज्वाइन कर रहा है कि कोई बात नहीं जी मजाक हो रहा। नहीं, मजाक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। ज्योतिष है, ज्योतिष के तरीके से सीखेंगे। हर व्यक्ति अपना कैमरा ऑन रखेगा, हर व्यक्ति अपना कैमरा ऑन रखेगा। ठीक है, घर में बैठे हैं, घर में मेरे भी घर है, सब मिडिल क्लास फैमिली जैसी होती है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा ऑफ रखेगा और माइक बंद रखेगा। माइक के लिए बार बार ना बोलना पड़े, क्योंकि आपके माइक होने से एक तो दूसरे व्यक्ति डिस्टर्ब होते हैं, और डिस्टर्ब होने के साथ साथ ना आप समझने की कोशिश कीजिए, इस सामने वाले व्यक्ति की जो आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, वो रिकॉर्डिंग भी सामने वाला आदमी नहीं ठीक से सुन पाता, उसमें डिस्टरबेंस आता है। तो आप अपना तो नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का भी नुकसान कर रहे हैं। आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क एन नंबर ऑफ क्वेश्चन, ज्योतिष से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, ब्राह्मण का बच्चा हूँ, धर्म से रिलेटेड, कहीं से भी कोई आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। बट आप एक चीज ये याद रखना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं कोई टॉपिक बताऊँ तो उसमें बीच में मत बोलिए। मैं कोई प्रेजेंटेशन वगैरह पीपीटी वगैरह जनरली फॉलो नहीं करता हूँ, सब दिमाग में चल रहा होता है। आप एक बार टोक दोगे तो दूसरे व्यक्तियों का भी नुकसान है। तो आपको सिर्फ नोट डाउन करना है, पेन डाउन करना है। सभी से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कैमरे जोन रखें। सेकेंड चीज, आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, आपने अपने डाउट्स रख लिए, मैं अपने दोनों नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जो मेरे पेड कोर्सेज में फैसिलिटी रहती है वो आप लोगों के साथ रहेगी। आप मुझसे कोई भी डाउट रहता है ड्यूरिंग माय कॉलिंग आवर्स आप पूछ सकते हैं। मेरे कॉलिंग आवर्स हैं शाम को 7 से 8, मॉर्निंग में 8 से 9। ठीक है, और मंडे टू फ्राइडे। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मेरा कॉलिंग नंबर है 78। मैं लिख भी देता हूँ अपना कॉलिंग नंबर, तो आप उस पर भी आप एक बार, आप लोगों को लगे तो आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट्स वगैरह, या कोई और चीज है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग डाउट, फ्रूटफुल चीज के लिए। ठीक है, कुछ ऐसा भी ना हो कि मैं आज टॉपिक में बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप सुपर एडवांस लेवल का पूछो। नहीं, आपका कोई ऐसा डाउट है जो पढ़ाया समझ में नहीं आया, तो ठीक है, वो चीज आएगी। ठीक है जी, हम आपको बिल्कुल आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल सच्चे दिल से रहेंगे। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत टाइम से ऐसा कराना चाहता था, क्योंकि मेरे माइंड में मेरे को शेड्यूल टाइम नहीं मिलता था। बस इस बार मैंने ये स्लो टेक रखा हुआ, ये मेरा पीक आवर्स का स्लॉट था, बट मैंने कहा नहीं, इसको मैं रखूंगा और इसको हम लोगों से सीखेंगे, अच्छे से इंटरेक्शन करेंगे। हमारा जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि जो हमारे 36 सेंटर्स खोलने का पर्पस है, वो भी ज्योतिष को आगे बढ़ाने का है। वो भी किसी और चीज का लिए नहीं खोला हमने, हमने सिर्फ इसीलिए किया है कि हमारा ज्योतिष को वो मिले, ज्योतिष को प्राथमिकता मिले, ज्योतिष आगे बढ़े। 7801010134 ये मेरा कॉलिंग नंबर है, इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मतलब कॉलिंग आवर्स में। ठीक है, 8860293088, 8860293088 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
पूजा व्हाट्सएप नंबर यही है बेटा मेरा, मेरे को व्हाट्सएप नंबर याद नहीं रहता यार, देखो किसी को, किसी को याद है। सपना यही है मेरा व्हाट्सएप नंबर बेटा, चेक करके बताना, यही है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आप लोगों के साथ टच में रहूंगा और मेरे साथ टच में रहिएगा बड़े अच्छे से। सर आप पहले वाला रिपीट करो, सर पहले वाला नंबर सर, ये दिख रहा है ना बेटा, मैं तो स्क्रीन शेयर किया एक्चुअली हुआ। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। हाँ अभी दिख रहा है सबको? हाँ जी हेलो, सर, यस ठीक सर, है ठीक है बेटा, ठीक है। ये मेरा कॉलिंग नंबर है, दिस इज माय कॉलिंग नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है जी। चलिए, मैंने अपने बारे में छोटा इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आप लोगों को से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग तीन चीजों का मुझे व्हाट्सएप कीजिए। दोज हु रियली वॉन्ट्स टू लर्न, अगेन सेइंग, बार बार मत बुलवाओ कैमरे के लिए, कैमरे ऑन रखो। आपको क्या लग रहा है? और जिसको ये लगता है कि वो कैमरा ऑन नहीं रख सकता, उसको प्रॉब्लम है, वो रिकॉर्डिंग देख रहा है, रिकॉर्डिंग हम उसको भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और जो लाइव सीखना चाहता है तो वो ढंग से एटलीस्ट रूल्स फॉलो करे, क्लास में कैमरा ऑन करके रखे, ऐसे नहीं कि लेट के क्लास कर रहा है। लेट के करने वाला कभी भी सीख नहीं पाता है ना, लेट के क्लास कर रहा है ना, वो सीख नहीं पाता ढंग से, क्लास को क्लास के तरीके से करे बेटा। विक्स विभाग सीओ से लिखा हुआ, अपना कैमरा भी सीधा रखो ना, मुझे सब पे नजर रखनी होती है, मेरी आदत है, कौन पढ़ रहा है ढंग से कौन नहीं पढ़ रहा, मैं नजर रखता हूँ तो कैमरा सीधा रखो। सेकंड चीज, आप मुझे क्या करेंगे सारे लोग ना, अपने फोन से मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम, पूरा नाम कर दीजिएगा क्योंकि नाम में कंफ्यूजन हो, अपना पूरा नाम, अपने पूरे नाम के साथ आप किस शहर से हैं, ठीक है, आप किस शहर से हैं वो, और एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसमें कि आपकी एजुकेशन क्या है, किस तरीके से आपने क्या किया हुआ है, या ऑफिस में कुछ किया हुआ है, और थर्ड आपकी मुझसे एक्सपेक्टेशन क्या है, आप मुझसे सीखना क्या चाहते हो इस कोर्स में, ठीक है। उसी हिसाब से हम कोर्स का कंटेंट डिजाइन करेंगे और हम आपको बताएंगे मैक्सिमम चीजें, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको सिखाने की। शरण गुरुंग, गुरुंग सर आप कहाँ से हैं? अनम्यूट करो, आप म्यूट पे हो, कहाँ से हैं आप? सर मैं लंदन से, सर कहाँ से आप? लंदन सर। हाँ लंदन से हैं आप? वैसे आप, सर, वैसे आप इंडियन हैं बट अभी आप लंदन में हैं, नहीं सर, ओरिजिनली मैं नेपाल से हूँ सर। ओरिजिनली आप नेपाल से, वेरी गुड। हाँ सर, नेपाल में काफी लोग देखते हैं मेरी वीडियो, ठीक है। हाँ सर, चलिए जी, ठीक है, आप ये सारा प्लीज इंट्रोडक्शन वाला मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, आप सबसे मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी, आप मुझे कीजिएगा। माइक शर्म नहीं रहा है? हेलो, कौन सा माइक यूज होता है? इसीलिए आप लोगों को आवाज कम आ रही थी यार, किसी ने बताया भी नहीं, इसकी बैटरी डाउन हुई पड़ी लगता है। आवाज की क्लैरिटी बढ़ा देता हूँ, इतना क्लियर वॉइस क्लियर है सर, पहले भी क्लियर थी। थी? हाँ जी सर, वॉइस क्लियर है लेकिन आपने जब मंत्र पढ़ा तो वो एकदम भी नहीं सुनाई दिया। मेरे मेरे बोलने वाला भी नहीं सुनाई दिया? हाँ जी बस सर, नहीं, उसमें आ रही थी, वो भी थोड़ी क्लियर नहीं था सी सर, वो भी क्लियर नहीं था सर, मैंने बीच ठीक में इसलिए मैं रोका क्योंकि मंत्र था। किया बेटा आपने वो तो, बट ये ना माइक की, मैंने इसलिए पेयर ऑफ माइक रखा हुआ है। अभी तो आपकी क्लियर ही आ रही है। बेटा एक सेकंड रुक रहा ना, कुछ गड़बड़ी हो रही है। एक्चुअली क्या होता है, इसकी सैटरडे संडे में यूज ज्यादा होता है, पूरे वीक भी यूज होता ही रहता है, माइक ऑलमोस्ट ऑन रहता है, इसलिए चार्ज भी नहीं था शायद, मैंने 2-3 दिन से चार्ज भी नहीं किया। कोई बात, अभी देख तो माइक का सेटिंग देख लेते हैं, वॉइस भी क्लियर आएगी, डोंट वरी। एक्चुअली इसमें थोड़ी बहुत माइक इसलिए रखना पड़ता है बेटा, अगर वैसे रहेगा ना तो उस टाइम पे ये रहेगा, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं। अभी देखो ज्यादा वॉइस क्लियर हुई पहले से? क्लियर है सर। अब पहले से हाँ जी क्लियर सर, हुई ना, पहले पहले से क्लियर है। माइक बंद हो गया था इस चक्कर में से, ठीक है बेटा।
अभी ठीक है। राधे राधे सर। क्या कह रहे हैं विजय जी? राधे राधे सर। राधे राधे विजय जी। विजय जी टाइम से ज्वाइन किया करो, राधे राधे भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, ठीक है। और ये सभी को फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर लेट ज्वाइन कर रहे हो ना तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए किसी को, ना भगवान का नाम लेने में शर्म नहीं कर रहा हूँ, बट लगना चाहिए कि शर्म आ रही है। काम कर रहे हो और सीख रहे हो तो ढंग से सीखो। 11 बजे का टाइम है, 11 बजे ज्वाइन करो। पता क्या होता है, प्रॉब्लम यही थी, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत टाइम पहले भी ऐसे फ्री कोर्सेज कराने देता हूँ, उसमें लगता है लोगों को कि यार मजाक हो रहा है, 11:30 तक देखो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कोर्स है ना यार, आप अगर पैसे दे के करते हो तब भी तो ज्वाइन करते हो ना, तो उसकी गरिमा रखो ना। मैं रखूंगा गरिमा, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, पूरी गरिमा रखूंगा, टाइम से सिखाऊंगा, टाइम से करूंगा, टाइम से शुरू करूंगा, पूरा सिखाऊंगा जो सिखा रहा हूँ। जहां लगता है कि भाई इसके आगे मेरी लिमिट खत्म होगी तो मैं रोक दूंगा, मना कर दूंगा कि भाई इसके आगे नहीं सिखाऊंगा, आगे नेक्स्ट टाइम में करेंगे, वो मैं बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने नवग्रहों को याद किया। सिर्फ एक सेकंड के लिए अपने अपने इष्ट को और याद कर लीजिए, ठीक है, जिसकी भी आप पूजा करते हैं। माँ सरस्वती को याद कीजिए और अपने अपने इष्ट को याद कीजिए। ज्योतिष, ज्योतिष क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है आप सबके सामने ना। व्हेनेवर यू विल सिट इन ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जब आप लोगों के बीच में बैठते हैं, बुद्धिजीवियों के बीच में, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि ज्योतिष होता है या नहीं होता है, या ज्योतिष फालतू की बकवास है, ज्योतिष से तो कोई आराम नहीं आता, होता है नहीं होता, ये चीजें आती है नहीं आती आप लोगों के सामने, कभी आई है आप लोगों के सामने कभी, ये नहीं आई है तो जब आप ज्योतिष में पूरी तरह से घुसोगे तो आपके करियर में ज्योतिष के में ये जरूर आएगा। यू विल कम टू नो के ज्योतिष में, मतलब आपको ऐसी चीजें पता चलेंगी कि लोग बोलेंगे कि ज्योतिष तो होता ही नहीं है, ज्योतिष तो साइंटिफिक नहीं है, ज्योतिष तो ऐसे ही फालतू की बकवास है, ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा ना। तो उस चीज से बचने के लिए आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। हमारे देश का या ज्योतिष का मैं कहूं तो ये एक दुर्भाग्य है, जब भी आप क्या करते हैं ना, आप बात करो किसी भी आदमी से रॉकेट साइंस के बारे में, तो रॉकेट साइंस क्या होती है, रॉकेट ऐसे उड़ाया जाता है, ऐसे उड़ाया जाता है, मिसाइल्स ऐसे लॉन्च की जाती हैं, चंद्रयान को ऐसे लॉन्च किया जाता है, तो सामने वाला बंदा या तो चुप होके सुनेगा या चारू सिंगल जी बोलेगा कि मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है भाई, यही बोलेगा ना, ASG कैमरा ऑन रखे, यही बोल देगा ना भाई मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है मयंक, ऐसे बोलेगा ना बेटा कि भाई मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है, है ना, ठीक है। अमृता और विक्षिष कैमरे सीधे रखो, टेढ़े मत रखो, तो वो बोल देगा कि मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है। परंतु जब भी बात धर्म की आती है या बात आती है आपके ज्योतिष की, इन चीजों की, तो सामने वाले बंदे को नॉलेज है नहीं है, वो ज्ञान पेलने लग जाता है। आप में से कुछ लोग जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं, अगर आप किसी भी बंदे को बताएंगे ना, तो आपने अपने जीवन में, मैंने बहुत देखा है, बंदा फर्स्ट टाइम में पता है शिवानी जी क्या कहता है कि यार आप बोलो कि यार मुझे ना ज्योतिष आता है, सामने वाला बंदा एक बार तो बोलेगा यार मैं ज्योतिष में बिलीव नहीं करता, फिर एक सेकंड के बाद वही बंदा अपना हाथ आगे करेगा, कहेगा भाई मेरा हाथ देख दे, हैव यू सीन दिस, हैव यू, मतलब आपके साथ हुआ होगा ऐसा, क्योंकि मेरे साथ एन नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ठीक है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। विजय जी माइक ऑफ रखिए। ऐसे ही होता है सर, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा होता है ना बेटा। तो इस चीज को बड़े अच्छे से समझना होगा, करना सब चाहते हैं, बेनिफिटेड सब होना चाहते हैं, बट हम वो नहीं करते। इसमें भी एक बहुत बड़ी व्यथा होती है, जब आप लोगों की फ्री कंसल्टेशन कर देते हो तो वो रेमेडीज नहीं करते हैं, वो बहुत सारी चीजों को नहीं समझते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा वो रहता है। यही आप फ्री कोर्सेज देखो, मेरे पास 150 रजिस्ट्रेशन है, 50 लोगों ने ज्वाइन किया है, उसमें से भी आधे तो 11:30 बजे तक ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसीलिए बड़े इससे समझा रहा हूँ, बड़े इससे आपको समझना है, आपको ज्योतिष को पूरी तरीके से समझना है, स्क्रैच लेवल से। आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट रहा है, आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट रहा है जिसने साइंस में अपनी स्टडीज करी हो? जी गुरुदेव, इंद्रप्रीत। बिग बैंग थ्योरी के बारे में किसी ने पढ़ा है? कैमरा ऑन करके बात करो। आप में से बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है आपने? बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, किसी ने सुनी है बिग बैंग थ्योरी? मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ सारी, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम साइंटिफिक तरीके से आपको समझाऊंगा, ऐसे कीवर्ड्स दूंगा ज्योतिष में जो आप
कोई याद रखने में कामयाबी होगी। बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहती ये चीजें ना, ज्योतिष में बहुत समुंदर है ना, बहुत बड़ा, इतना बड़ा समुंदर है, कहाँ तक क्या क्या याद करोगे इतने बड़े समुंदर में। शालिनी गुप्ता जी, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है बताइए प्लीज। मेरा कोर्स पूरा होगा, इट्स सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। नहीं पता, अच्छा ये बताने के लिए आपने हैंड रेज किया होता है, तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बड़ा होल होता है ना सर। नहीं नहीं, अमृता जी एक सेकंड रुकिए, शालिनी जी आपने ये बताने के लिए हैंड रेज किया होता सर? नहीं सर, मुझे बिग बैंग थ्योरी नहीं पता है। तो फिर ये बताने के लिए, साइंस के स्टूडेंट है, फिर आपने हैंड क्यों किया, रेज क्यों किया? जब मैं बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहा हूँ तो डाउन भी करना आप ही का काम है ना बेटा जी, सॉरी। इसलिए बता रहा हूँ कि इतने सारे लोग रहेंगे तो आप किसी सबका टाइम वेस्ट होता रहेगा बेटा, ऐसे हमें सबके टाइम का ध्यान रखना है, प्लीज सारे लोगों को ध्यान रखना है। आपको नहीं पता, आप हैंड डाउन कर लो, हैंड रेज करके भूलना नहीं है, ये हैंड रेज हमारे ही सिस्टम से ऑन हो रहा है, वहीं से डाउन करना है। बिल्कुल सही बोल रहे हो अमृता जी, मैं ही बता देता हूँ यार, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। पूरा जो बिग बैंग थ्योरी है, पूरा हमारा यूनिवर्स, भरत जी एक तो कमर सीधी करके बैठिए और शर्ट पहन के बैठिए, क्लास की गरिमा को थोड़ा ध्यान रखिए, शर्ट पहनिए फटाफट। और मैं आप सबको बता रहा हूं, यहाँ पे मजाक नहीं हो रहा है, ज्योतिष हो रहा है यहाँ पे। अर्चना, पेड कोर्स में भी मेरा नेचर यही रहता है, अर्चना पास ही रहता जी, है ना जी, गुरु जी, 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 डिसिप्लिन तो होना चाहिए, बैठेंगे बदतमीजी नहीं कोई भी, टॉलरेट नहीं करूंगा किसी भी लेवल पे, आप पहले भी नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगा, ठीक है बेटा। बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है कि हमारा जो यूनिवर्स है, इट वॉज, यार फीमेल्स भी हैं, हमारी माताएं बहने हैं ना सब, आपको थोड़ी सी तो तमीज होनी चाहिए यार। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? बिग बैंग थ्योरी बताती है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, इट वॉज ए सिंगल पार्टिकल, ये एक सिंगल पार्टिकल था। मैं ना आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ, शालिनी गुप्ता जी को अलग अलग से बोलूंगा, सबको बोलूंगा ना तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत होगी और मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। शालिनी गुप्ता जी अभी भी अनम्यूट करके बैठी हुई है, ऊपर थोड़ी देर में शोर आना शुरू हो जाएगा, मैं आपका सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, म्यूट कर रहा हूँ सॉरी। अब आपको जिसका भी कोई प्रश्न हो वो लिख लेना बेटा और हैंड रेज करना, नहीं तो शुरू नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी बोलती है हमारा जो ब्रह्मांड है, इट वॉज ए सिंगल पार्टिकल, कि सिंगल एक पार्टिकल था पहले पूरा, ठीक है। एंड इट वॉज 13.7 बिलियन ईयर्स एगो देर वॉज ए ब्लास्ट। अब मैंने एक बार यही चीज डाली थी यूट्यूब पे तो किसी बंदे को बुरी लगी, बोलो 13.7 बिलियन ईयर्स एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। मैंने कहा भाई थोड़ा सा पढ़ ले अपनी बिग बैंग थ्योरी को, साइंटिफिक बात बोल रहा हूँ मैं तो। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने पहले साल हुए ही नहीं है। तो बहस नहीं करनी है हमें किसी भी ऐसे पागल आदमी से। हाँ, कोई साइंटिफिक बात समझता है तो उसके साथ आप बात कर सकते हैं, उसके साथ आप बहस, ठीक है। तो जब ब्लास्ट हुआ, जब वो बिग बैंग थ्योरी का इवोल्यूशन हुआ, जब हमारे यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ, अर्लियर आवर कंप्लीट यूनिवर्स वॉज ए सिंगल पार्टिकल, और इसमें जब ब्लास्ट हुआ तो ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट गया, इट स्प्लिट्स इनटू एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमारा जो यूनिवर्स था वो एक सिंगल पार्टिकल था और ये पूरा एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट गया, इट वॉज ए सिंगल पार्टिकल। और जब इसमें ब्लास्ट हुआ तो ये छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स में टूट गया, और ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे, ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे, आज भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। इसकी एक पिक्चर दिखाऊं आप, मैं कुछ फोटोज लिए हुए हैं पहले से, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स दिख रहा है, ये फोटो दिख रहा है आपको, ये जो कीट पतंगे से दिख रहे हैं ना, ये प्लैनेट्स हैं आपके, ये जो दिख रहे थे कीट पतंगे से प्लैनेट्स हैं आपके, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इसमें सूर्य है, सब एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। और यही जब जाके एक क्लस्टर की फॉर्म में अलग अलग जगह पे इकट्ठे हुए तो इनको हम मिल्की वेज या आकाश गंगा बोलते हैं। मिल्की वेज और आकाश गंगा पढ़ी है ना आपने, ये तो पढ़ी होगी सबने, आकाश गंगा तो पढ़ी होगी ना, इसमें साइंस के स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है, पांचवी छठी में सातवीं तक पढ़ा दी जाती है, सिक्स क्लास में, जब मैं तो सिक्स में पढ़ा दी गई थी, ठीक है। मिल्की वेज में देर आर मैनी सोलर सिस्टम, सो वो पूरा सौर मंडल बहुत सारे हैं,
ठीक है, और उन्हीं सौर मंडल में से एक सौर मंडल हमारा भी है, उन्हीं में से एक हमारा भी सौर मंडल है, और इस सौर मंडल में आप देखेंगे कि हमारे प्लैनेट्स हैं सारे ना। सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आता है? सबसे पहले प्लैनेट आता है सूर्य। आप में से कोई ऐसा भी है जिसको नाइन प्लैनेट्स के नाम नहीं पता अभी तक? नाइन प्लैनेट्स के नाम याद नहीं है, है सबको? या कोई ऐसा है जो बार बार भूल जाता है? कोई है ऐसा जिसको नाम याद नहीं रहते? शॉर्ट फॉर्म तरीका बताता हूँ अमृता जी याद करने का ना। डेज के नाम हम सबको पता है, बचपन में सिखा दिए गए थे। संडे आता है सबसे पहले, संडे मीन्स सूर्य, मन में रहना है। मंडे मीन्स मून, ट्यूजडे मीन्स मंगल या मार्स, वेडनेसडे मीन्स बुध या मरकरी, थर्सडे से याद रखना है आपको बृहस्पति या गुरु, फ्राइडे से शुक्र वीनस, सैटर्न से सैटरडे से सैटर्न या शनि ग्रह, और रवि से रवि तो आ गया राहु केतु लास्ट में आपको दोनों रखना है। ठीक है, आपके नौ ग्रह हो गए। ये नाम याद करने का जस्ट एक तरीका बताया, मैं आगे बहुत सारी चीजों के तरीके बताता रहूंगा आपको जो एक मिनट में याद करा देंगे। अनिल मेरे ख्याल से अब कोई नवग्रहों के नाम भूलोगे नहीं, आप हमेशा याद रहेंगे आपको ना। ठीक है, ये मैं ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको माइंड में बैठाना है आपको, इसीलिए मैंने बोला मेरी क्लासेस में नीड नॉट टू राइट एनीथिंग, यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस। और आपको एग्जैक्ट तरीका ये है, एग्जैक्ट तरीका ये है सीखने का कि आपको पहले ज्योतिष में सीधी चीज, सबसे बड़ी बात चीज है, सबसे पहले आपको ज्योतिष में यही करना है कि आपको मेरी क्लास अटेंड करनी है, बाद में इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, हर क्लास में जो भी बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। गुलाब जी समझ रहे हैं आप, है ना? आप उधर देख रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं क्या किससे बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, मैं थोड़ा थोड़ा टॉक करूंगा, मुझे क्लास में लगता है ना कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो मेरी आदत है बीच में बोलने की, छोड़ नहीं सकता मैं ऐसे, मेरे को मजा नहीं आता। ठीक है अर्णव जी, मजे तो मेरे को भी लेने ना, ऐसे थोड़ी मैं पढ़ाता रहूँगा और मजे सारे आप लेते रहो, मुझे अपने मजे के लिए काम करना, कोई इधर उधर ध्यान देना तो उसको टोकते रहना है। ठीक है, आप में से कोई ऐसा है जो मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे पास भारत में से और जैसे अभी बाहर से भी कोई जुड़ा, सबको समझ में आ रही है भाषा? ठीक है, अगर मैं कोई बिल्कुल ठेठ देसी वर्ड बोल दूं, देसी सा आदमी थोड़े ठेठ देसी वर्ड बोल दूं, तो प्लीज आप मुझे बता देना सर ये वर्ड समझ में नहीं आया, तो मैं उसको भी आप लोगों को बता दूं। ठीक है, अब इस चीज को समझिए, ये हमने प्लैनेट्स बता दिए। अब जब आप कभी भी ऐसे बंदों के साथ बैठोगे जो अपने आप को पढ़े लिखे या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, होते नहीं समझते हैं, वो ये कहेंगे सूर्य कोई ग्रह है, एंड दे विल स्टार्ट लाफिंग। सूर्य कोई ग्रह है ना, सूर्य कोई ग्रह है, ये तो हमारा सोलर सिस्टम है और पता नहीं क्या क्या इसमें से। वो अब आपको इस चीज को समझना है, वो राहु केतु को भी ग्रह नहीं बताएंगे, वो चंद्रमा को उपग्रह बताएंगे, है ना, है ना। देखिए आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो साइंटिफिकली आपने देखा होगा, जब मैं आई वॉज इन फिफ्थ क्लास तो हमारे नाइन प्लैनेट्स थे और उसमें प्लूटो और यूरेनस को भी इंक्लूड किया जाता था। फिर एक थ्योरी आई जिसने ये कहा कि यूरेनस और प्लूटो आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। और अभी 5-6 साल पहले फिर दोबारा से कहने लगे कि यार यूरेनस और प्लूटो तो इसमें है। सुना है कभी आपने ये चीज? तो सुनी पढ़ी होगी ना, ये तो साइंटिफिक जो इनकी रिसर्च है वो रहा ना। हाँ, एक सैटेलाइट था कासिनी, नासा ने भेजा था, इट वॉज इन 2019 में। पढ़ते रहा करो, अगर ज्योतिष में रहना है तो ये सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो जो कासिनी वाला सैटेलाइट था, यूएस ने भेजा, नासा ने भेजा सरन जी, और मयंक, जब वो सैटेलाइट पहुंचा शनि ग्रह के पास, तो शनि ग्रह से लगभग लगभग कुछ लाख किलोमीटर पहले वो ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट होने के बाद भरत जी, उसने जो पिक्चर्स भेजी ब्लास्ट होने से पहले, वो बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर भेजी। नासा ने कहा कि बड़ी अच्छी हमें जानकारी मिली है कि शनि ग्रह पर पेट्रोल और डीजल जैसे पदार्थ हैं,
कि पेट्रोल डीजल जैसे जो पदार्थ बताते हैं ये तो हमारा ज्योतिष 5000 साल से बोल रहा है ना कि चंद्रमा पे जाके कहते हैं कि चंद्रमा पर पूरी पूरी संभावना है पानी होगा। हमारा ज्योतिष तो चंद्रमा को पहले से इसका कारक बोलता है, पानी का, जल का। साइंस की थ्योरीज बदलती रहेंगी बट मेरे ज्योतिष में जिन्हें ग्रह की परिक्रमा दी गई है वो ग्रह की परिक्रमा की तरीके से काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। ये कहते हैं कि सूर्य ग्रह नहीं है। देखिए सूर्य ग्रह नहीं है, ठीक है, मान ली बात। ये तो पृथ्वी को ग्रह कह देते हैं, हम पृथ्वी को इसमें काउंट नहीं करते हैं। अब सूर्य अपनी स्थिर जगह पर स्थिर है और हम ज्योतिष में ही बोलते हैं कि सूर्य आज इस राशि में पहुंच गया, आज इस राशि में पहुंच गया, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। और साइंटिफिकली कोई भी बंदा आपको बोलेगा कि जी सूर्य तो, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ व्यू दे रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से और फ्री फ्लो पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से ये तरीका सही है, समझ में आ रहा है सबको, तरीका भी ठीक लग रहा है। स्टार्टिंग से थोड़ा समझा रहा हूँ और ये तरीके मैं ऐसे बता रहा हूँ जिन्होंने कोर्सेज किए हुए, कोई नहीं बताता कोर्सेज में, नहीं बताता इनको, ठीक है। अब जब सूर्य स्थिर है और हम कहते हैं कि सूर्य ग्रह भी है और सूर्य राशियां भी चेंज कर रहा है, अब यहाँ पे क्या होता है जी, आपको देखो थोड़ा सा समझना है। सपोज मयंक सामने बैठा हुआ है मेरे और मयंक को मानो सूर्य, ठीक है, मैं ऐसे नाम किसी किसी का लेता हूँ, मयंक को नहीं, सोचना सबको है, ठीक है। अजय वैद्य जी, मयंक सामने बैठा हुआ है, मयंक सूर्य है और आई एम अर्थ। अब मैं मयंक के चारों तरफ घूम रहा हूँ, ये तो साइंटिफिक बात है ना भरत जी, मैं तो कुछ गलत बात नहीं कर रहा ना इसमें चारू जी, साइंटिफिक बात कर रहा हूँ ना मैम। अब मयंक घूम नहीं रहा है बट जब मैं मयंक को सामने से देख रहा हूं तो मुझे इसका फ्रंट फेस दिखाई दे रहा है। जब मैं थोड़ा सा इसके लेफ्ट में जाऊंगा तो मुझे इसका लेफ्ट फेशिया दिखाई देगा। अरे ना, वो गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मजा नहीं आ रहा बेटा। फिर जब मैं इसके पीछे जाऊंगा तो मुझे इसका बैक साइड का व्यू दिखेगा, फिर सेक्टर इधर जाऊंगा तो मुझे लेफ्ट साइड का व्यू दिखेगा, ठीक है श्याम जी, सामने आऊंगा तो फिर से दिखेगा। मेरी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू मयंक इज चेंजिंग एवरी मोमेंट, सेम होता है ना। जब सूर्य के चारों तरफ मैं घूम रहा हूं तो सूर्य के कंपैरिजन में द पर्सन हु आर ऑन अर्थ या पृथ्वी की पोजीशन इज चेंजिंग एवरी मोमेंट, होती है कि नहीं होती। भरत जी आप ध्यान से सुन लो, नोट्स बाद में बना लेना, आप ईयरफोन लगा के बैठो, मुझे लग रहा है शायद आपके फोन में से आवाज नहीं जा रही है आपके पास ना, ठीक है। द पोजीशन ऑफ अर्थ इज चेंजिंग एवरी मोमेंट, इन सारी चीजों के नोट्स बनाने हैं, काम आएगा आपके में, अभी ध्यान से सुनना है, ठीक है। वो हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। आपको वीडियो का लिंक अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिलेगा ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट के थ्रू, तो हमारा जो ऑफिस वाला नंबर है, पूजा जी का नंबर है, आप उस पर अपना ब्रॉडकास्टिंग नंबर सेव करा देना तो यू विल गेट लिंक ऑफ दिस वीडियो, ठीक है जी। अब वो पोजीशन हर मोमेंट पे चेंज हो रही है अर्णव जी, जब वो पोजीशन चेंज हो रही है तो सूर्य की राशियां, सूर्य की पोजीशन, सूर्य के प्रभाव सब चेंज हो गए, होंगे नहीं होंगे। हाँ थोड़ी देर के लिए आवाज दे देता हूँ आप लोगों के, मुझे भी मजा नहीं आता ऐसे, तो वन साइडेड कम्युनिकेशन लगने लग जाता है, मैं भी तो मजे लेना चाह रहा हूँ ना। अब मुझे ये बताओ, आप में से लोगों ने ज्वार भाटा हाई टाइड्स कितनों ने पढ़ा है? ज्वार भाटा अर्चना पासी बताएगी, बेटा कैसे होता है ज्वार भाटा? सर वो मून के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बढ़िया बात है, किस दिन होता है? सर पूर्णिमा को ज्यादा होता है ज्वार भाटा, पूर्णिमा अमावस्या, ठीक है। अब आप मेरी बात समझना, मून ग्रेविटी के थ्रू अट्रैक्ट करता है वॉटर को और पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ये तो साइंटिफिक बात है ना। सारे म्यूट रखो प्लीज, विश्वास द्विवेदी क्यों डिस्टरबेंस सुना रहे हो बेटा अपने माँ का, एक बंदे की वजह से मुझे सारे करने पड़ जाते हैं बेटा है। अब वो मून अट्रैक्ट कर रहा है उस वॉटर को, खींच रहा है अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण से। चलो ये तो आपने बता दिया कि मून की वजह से होता है, साइंटिफिक बात कर रहे हैं ना मयंक। अब श्याम जी मुझे एक बात बताइए, शरण जी, गुलाब जी, हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर है? 70 to 75%।
70-75%। हमारे ब्रेन में कितने परसेंट वाटर है, सिर्फ ब्रेन की बात करूं तो 70-90%, 90% के आसपास होता है। हमारे ब्लड में कितने परसेंट वाटर है, मोर देन 90% वाटर है हमारे ब्लड में। तो जिस दिन ये हाई टाइड्स उठ रही हैं, क्या हमारी बॉडी पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है? हमारी बॉडी पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो आपका चंद्रमा होता है। सबसे नजदीक भी है ना, हमारी धरती के सबसे नजदीक भी है। कहते जी चंद्रमा तो उपग्रह है, इट्स ए सैटेलाइट, इट्स ए नेचुरल सैटेलाइट। बट जब चंद्रमा घूमता है धरती के चारों तरफ, और घूमते घूमते वो धरती के चारों तरफ घूम रहा है और धरती घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, है ना, तो घूमते घूमते वो उसकी वो भी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, एंड इट इज एक्टिंग लाइक ए प्लैनेट। और सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है हमारे जीवन पे चंद्रमा, सबसे नजदीक होता है, सबसे फास्ट मूविंग है, 2-2.5 दिन में सबके मूड चेंज कर देता है। ठीक है, मंथ में कुछ डेज ऐसे आते हैं जिसमें सबका मूड खराब होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जितने बड़े लोग हों या हमारे जैसा छोटा आदमी, मूड सबका खराब होता है। पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मूड खराब की बात कर रहा हूं, मूड स्विंग्स। आपकी मन की शांति का कारक है चंद्रमा। ठीक है, ये चंद्रमा करता है, ये चंद्रमा की क्वालिटी है। ठीक है ना, मंगल ग्रह कैसा होता है, मंगल ग्रह की मैं साइंटिफिक टर्म्स से पढ़ाऊंगा आपको, मैं कुछ छोटी जरूर बात कर रहा हूं आज सिर्फ। अब आप मुझे एक बात बताओ, शनि ग्रह जो होता है, आपने कभी बाबा रामदेव को सुना है, लाला रामदेव को, सॉरी, हाँ, वो लाला जी आए थे, उन्होंने योगा तो बहुत अच्छे से करवाया, बट वो पता नहीं उनकी इन्वेस्टमेंट थी या क्या था कि बाद में वो सब कुछ प्रोडक्ट्स बेचने लगे। जहां तक वो योगा करते थे वहां तक हम भी उनको भक्त मानते हैं, योगा करो, बहुत अच्छी चीजें करवाई सब उन्होंने। ठीक है, बट वो लाला जी रामदेव बन गए। कौन से रामदेव बन गए? लाला रामदेव। ठीक है, मेरा उनसे सिर्फ एक ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि भाई तू अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा तू है नहीं, गुरुकुल फुरुकुल की बाद में तू जहां से डिग्री बनवा ले, तेरे को नहीं पता तो मुंह मत फाड़ना, और कभी लगता है तो ओपनली हमारे साथ बैठ के देख, चैलेंज करते हैं, साइंटिफिक बात तू करियो, साइंटिफिक बात मैं करूंगा ज्योतिष के ऊपर, अपने फील्ड से बाहर नहीं जाऊंगा। क्या करते हैं वो, बोलते हैं कि शनि ग्रह मेरे पे भारी हो गया, शनि की 6.5 सती चल रही है, अरे भाई शनि तेरे ऊपर चढ़ जाएगा तो तेरी चटनी बन जाएगी। सुना है कभी उसके वर्ड्स? हैव यू एवर हर्ड? अब यार तुझे क्या पता, तू लाला बिजनेस कर अपना, तू खामखा की बात क्यों कर रहा है ज्योतिष की? ना ज्योतिष बड़े धर्म कर्म का काम होता है, इसमें आदमी को बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती। तो अगर अगर आपके पास ये शक्ति है, आप अगर अपने आप को इतना बड़ा मान रहे हो, तो पूरा एक्सप्लेनेशन दो ना, शनि ग्रह क्या होता है, मैं साइंटिफिक बात करता हूं। हमारी धरती के पास क्या होता है, चलो इसको थोड़ा सा तरीके से समझते हैं, इसी चीज को समझते हैं, थोड़ा सा ना साइंटिफिकली समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, हमारी अर्थ के चारों तरफ प्लैनेट्स हैं। रात में खड़े होकर देखना सरन जी, आपको कौन सा प्लैनेट या सैटेलाइट चमकता हुआ दिखेगा, खास करके पूर्णिमा की रात को? चंद्रमा दिखाई देगा आपको, नहीं दिखाई देगा? हाँ, अब गुलाब जी ने तो ये पढ़ाया है, या पढ़ाया बचपन में, या पढ़ाया भी है पूरी लाइफ में, कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता ही नहीं, वो तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। वो गलत बात बोल रहा हूँ? प्रीति विश्वास, कैमरे जोन रखे यार, ऑफ क्यों हो जाते हैं? विपिन गुप्ता जी, ठीक है जी, मैं समझ सकता हूँ मेल्स की प्रॉब्लम होती है, बर्तन बर्तन साफ करने होते हैं घर पे संडे के दिन, बट ठीक है, साफ करके बैठा करो, मैं करके आया हूँ ना सुबह, सब झाड़ू पोछा करके तब आगे बढ़ाने लगा, ठीक, खाना भी बना गया। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, अपना प्रकाश होता ही नहीं है। चंद्रमा के पास जो रिफ्लेक्शन पावर है दैट इज ओनली 12%। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा से धरती पर आता है, तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। दैट रिफ्लेक्शन पावर इज ओनली 12%। शनि देवता के पास पता है ये रिफ्लेक्शन पावर कितनी है? शनि देवता के पास ये रिफ्लेक्शन पावर 48% है।
मैं शनि देवता बोल रहा हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ, नहीं तो आप शनि प्लैनेट भी बोल सकते हो, सैटर्न प्लैनेट भी बोल सकते हो, आपको ढंग से नॉलेज है तो इट्स ऑल साइंटिफिक। शनि देवता के पास रिफ्लेक्शन पावर 48% है, और जैसा हमारे पास एक चंद्रमा है, शनि देवता के पास 84 चंद्रमा है, मतलब 84 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो शनि देवता के चारों तरफ घूमती रहती हैं। जब सूर्य की रोशनी शनि देवता पे पड़ती है, वो बाद में रिफ्लेक्ट होकर अर्थ की तरफ आती है, और उससे पहले, उस अर्थ से पहले आपकी जो वो रोशनी होती है उस सैटेलाइट से भी टच होती है जो शनि देवता के, वो उसको और बूस्ट करती हैं। इसको आप एक तरीके से समझो, रेज पड़ रही है, रेज वापस आ रही है। जिस जोडियक बेल्ट में, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जोडियक बेल्ट है, अब जोडियक बेल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, चेक कर लेना, ठीक है मैडम, आप देख दिया करो, अगर मैं ऐसे बोलो ना कभी जोडियक बेल्ट को, कोई कह हिंदी में, छोड़ दो कोई बात नहीं, देख लेंगे अपना डिक्शनरी में कैसा क्या बनाया। जोडियक बेल्ट को क्या बोलते हैं हिंदी, जोडियक बेल्ट में टकराती है, जोडियक बेल्ट से एंटर करती है। जोडियक बेल्ट में हमारी 12 राशियां हैं, हर राशि में आएंगी, तो इसीलिए हर राशि में आएंगी और हर राशि पर अलग अलग प्रभाव डालेंगी। शिवानी जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, हर राशि पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है ना? हाँ, ज्योतिष ये भी बोलता है। अब मान लो ये भी कहोगे कि जी कुंभ राशि वाला एक बंदा तो रो रहा है, पिछले 2.5 साल से एक बंदा ग्रो कर रहा है, होता है ना, होता है ना, ये भी फर्क डालते हैं। इसमें ये बोला था, शनि देवता ने बोला कि भैया वो तो न्याय के देवता है, आपने जैसा विश्वास रखा है, जैसे कर्म रखे हैं, है ना, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये किसने बोला था, किसने बोला था, अनम्यूट तो कर दो, न्यूटन ने। अरे न्यूटन ने तो कॉपी किया था, इससे पहले बोल के नहीं गए थे हमारे कृष्ण भगवान, यही अपने हमारे हरियाणा में बोला था, कुरुक्षेत्र में आके, कुरुक्षेत्र में सिंपल बोला था उन्होंने, जैसा कर्म करोगे वो फल मिलेगा उसका, न्यूटन ने कॉपी करके बोल दिया, तो तुम न्यूटन को याद रखे हो, जिसने असली में बोला वो भूल गए हो। सरन जी गलत बोल रहा हूँ जी, हाँ अनिल तुम लिया तो हमारे मुझे बाद में बोला है, तो गुलाब जी आपके पास ही बोल के गए थे कृष्ण भगवान जी, हाँ आप सुन सकते हो आज भी जाके, सच्ची बात बोल रहा हूँ यार, सुन सकते हो जो मैं आज बोल रहा हूँ ना, इट विल नेवर गेट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यूनिवर्स में पड़ा रहेगा, बस आपके अंदर साधना में इतना बल होना चाहिए कि आप उन चीजों को पढ़ सको, आप उन चीजों को देख सको, उन चीजों को रियलाइज कर सको। थोड़ा कलयुग है बट मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये आपके हर प्लेनेट का इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है और इसी तरीके से आता है। जोडियक बेल्ट वगैरह जो ये होती है, पहले दिक्कत क्या होती थी पुराने टाइम में, जो ज्योतिष में आती थी चीजें, पुराने टाइम में ज्योतिष में ये होता था कि लोग बोलते हैं कि आज इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत क्यों पड़ी ज्योतिष की या इसकी, पहले ज्योतिष की जरूरत नहीं पड़ती थी, पहले सिर्फ बड़े लोग दिखाते थे। अगर कहो कि हमारे दादा परदादा तो अपना टाइम ही याद नहीं रखते थे, जन्म देने के बाद भूल जाते थे, ऐसा होता था ना, होता था ना। अब आज प्रीति लेता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ी देर में क्वेश्चन लेता हूँ। तो आज के टाइम में ऐसा क्यों रहता है, आज के टाइम में लोग नहीं करते, क्वेश्चन आंसर लिया करेंगे, हमेशा लिया करेंगे, जिससे आपके डाउट्स मन में ना रहे। और मैंने बताया ना, नोट्स आप जरूर बनाना, नोट्स सारे बनाना, ठीक है। क्लास में मैं बहुत बार चीजें ऐसे दूंगा, बहुत बार एक्टिविटीज कराऊंगा, क्लास में लिखने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, समझ में नहीं आएगा, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान डाइवर्ट होता है बंदे का। रिकॉर्डिंग सुन के रखना, रिकॉर्डिंग आपको जल्दी ही मिलेगी, आज ही दिलवाया करूंगा, आधे एक घंटे में अपलोड हो जाती है ये गूगल पे, साथ साथ दिलवा दिया। तो अब क्या बता रहा था, मेरे को याद दिलाओ कोई, लोगों को ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आज बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, है ना? गुलाब जी गलत बोल रहा हूँ, अर्चना जी, श्याम जी, जी सत्य, सच बोल रहे हैं, सच बोल रहा हूँ ना जी। चलो मैं इसी को थोड़ा सा और बताता हूँ, शिवानी तिरखा जी बताएंगी, विपिन गुप्ता जी बताएंगे, विपिन गुप्ता जी और शिवानी तिरखा जी या श्याम जी, अपने लोगों से हमने किसी ने सुना होगा, मैं दोबारा एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन करे जा रहे हैं क्लास में, दैट इज ओके फाइन, बट नेक्स्ट टाइम से क्लास की मर्यादा रखें, और आप लोग 11 बजे है तो 10:55 पे ज्वाइन करके बैठ जाएं,
सीखना है तो ढंग से सीरियस होके, मजाक है तो फिर बात अलग है, वो तो फिर रिकॉर्डिंग दे देंगे, रिकॉर्डिंग पे मजाक करते रहना। अब मैंने कहा पहले के टाइम में ये नहीं होता था ना, ज्योतिषी की बात जरूरत नहीं पड़ती, बट आपने किसी ने अपने बड़े बुजुर्गों से किसी ने सुना है कि आज से 100 साल पहले 150 साल पहले क्या इतने लोगों को ही डायबिटीज थी जितने लोगों को आज है? किसी को नहीं सुना। पहले कहा जाता था ना हमारे जीने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, वायु जल और भोजन। आज की डेट में हमारे वायु जल और भोजन के साथ चौथी चीज ऐड की जाती है चिकित्सा, ये तो पार्ट था ही नहीं ना कभी, लोग बीमार भी कम पड़ते थे। क्यों पड़ते थे? मैं अपने मेरा एक दोस्त है डॉक्टर, उसके साथ आया हुआ सिटिंग, तो हमारा यही डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने ही उसको बोला था, बोले नहीं नहीं गौरव भाई उस टाइम पे रूटीन अलग था। मैंने कहा यस मुझे भी पता है रूटीन अलग था, लोग फ्रेश होने भी बाहर जाते थे, मॉर्निंग वॉक हो जाती थी, लोग हार्ड वर्क करते थे, गाय भैंसों को भी चराते थे, वैसे हार्ड वर्क करते थे, खेत से सामान लाना या सब कुछ, ठीक है सब हार्ड वर्क था ना गुलाब जी, यही रीजन था ना? जी सर बिल्कुल यही रीजन था ना। ऐसे ही ज्योतिष को भी आप लोगों ने खराब कर लिया है, मतलब हम लोग हैं, मैं किसी की नहीं बात कर रहा हूँ, लोगों ने अपनी दिनचर्या खराब कर ली है। मेरी माँ रोटी बनाती थी, रोटी बनाते टाइम विपिन जी सबसे पहली रोटी निकालती थी गाय की, तो गाय की रोटी बनाती थी ना, गाय की रोटी जब डेली निकलती थी तो पहले आपका शुक्र ग्रह ठीक हो जाता था। घर में जब आप चक्की पीसोगे ना आटा, मेरी माँ चक्की पीसती थी, उस चक्की पीसने से भी आपका बुध और शुक्र दोनों अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी माँ गाय की रोटी निकालने के बाद जब खाना परोसती थी हमारे दादाजी के सामने या किसी के भी, आप खाना खाओ, जब वो खाना खाते थे ना तो उनका एक रूटीन होता था, वो गाय की रोटी, कुत्ते आ जाते थे गली के उनके कुत्तों को भी रोटी डाल देते थे, और पक्षियों की रोटी भी निकलती थी। हाँ तरीका भी यही होता ना गौग्रास का, एक रोटी जितना आप खाना खा रहे हो उसके 4 पार्ट करो, एक गऊ के लिए, एक पक्षी के लिए, एक कुत्तों के लिए और एक आपका अपना, एक बेसिक रूल होता है। जब आप गाय के लिए रोटी निकाल रहे हो आपका शुक्र ठीक हो गया, जब आप पक्षियों के निकाल रहे हो बुध के लिए निकाल रहे हो तो आपका, पक्षियों के लिए निकाल रहे हो तो बुध ठीक हो गया, अगर आप कौओं के लिए निकाल रहे हो तो आपका शनि ठीक हो गया, गाय के लिए शुक्र ठीक हो गया। एक और रूटीन था, माता पिता की इज्जत भी की जाती थी और माता पिता के चरण स्पर्श भी किए जाते थे, हम आज भी ये फॉलो करते हैं सारी की सारी चीजें। माता पिता के जब आप चरण स्पर्श करोगे तो आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह वहीं के वहीं ठीक हो जाएंगे। विपिन जी क्या होता है ना, बाप कह रहा है बेटा मेरे को पानी दे दे, बाप कह रहा है बेटा मेरे को पानी दे दे, बेटा कहता पापा रुक जाओ मैं यूट्यूब पे सूर्य ग्रह ठीक करने के उपाय ढूंढ रहा हूं। जिंदगी में सूर्य ठीक नहीं हो सकता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके जीवन में चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशंस पे है एंड वो पैसा भी खूब कमा रहे हैं, सब कुछ पैसा आ रहा है, बट दे आर नॉट रेस्पेक्टिंग देयर मदर। और रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो ठीक है, दे आर इंसल्टिंग देयर मदर। जब माँ पे कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जो हाथ तक उठा देते थे, कुंडली देखने में हर आदमी चकरा जाएगा कि चंद्रमा बहुत अच्छी अवस्था में बैठा है और बंदा कह रहा है जी मेरी भीख मांगने के हालात है, ठीक है। इसके अलावा टोटी दी जाती थी, एक सबसे बड़ी चीज होती थी रिश्तेदार बहुत आते थे और कहा जाता था रज के खाएं और रज के बतलाएं, है ना, खूब बातें करो और खूब खाओ, रिश्तेदार आते थे। आजकल खाना पीना भी बंद हो गया, डायबिटीज वायबिटीज के से बातें करते हैं तो नहीं यार कलेश हो जाएगा, कोई बातों में से बात निकल जाएंगी। अब मैं जैसे शुभांगी से बात कर रहा था 2-3 दिन पहले, तो शुभांगी से मैं पूछ रहा कि शुभांगी रिश्तेदार वगैरह बोला आते रहते हैं सर मेरे यहाँ पे, तो मैंने पूछा कितनी फ्रीक्वेंसी, बोले महीने में एक आधी बार। अब ये टाइम आ गया कि महीने में एक आधी बार वाले रिश्तेदार को हम मानते हैं कि बहुत अच्छा है। जब तक आपके रिश्तेदारों से चीजें ठीक नहीं होंगी, जब तक आपके घर में, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जिस घर में रिश्तेदार नहीं आते वहां समझ लो मंगल के खराब प्रभाव शुरू हो गए हैं। रिश्तेदार नहीं आ रहे तो शुभांगी जो सुबह कूड़े वाला आता है उसी को रिश्तेदार समझ के कुछ थोड़ा सा मीठा दे दिया खिला दिया, कोई और आ रहा है उसको खिला पिला दिया, गलत तो नहीं कर रहा हूं गुलाब जी। पहले रिश्तेदार आते थे तो कई कई दिन रुकते थे, आज की डेट में टाटा बाय बाय करके चल देते हैं। बिल्कुल जी अरना बेटा कमर सीधी कर ले, देख ये कमर टेढ़ी रखेगा ना तो मेरे को बेकार लगता है और ना सीख पाएगा जिंदगी। सीखने के लिए बैठे हो तो सीरियसली बैठो और एक्चुअल से सिखाऊंगा और सब सिखाऊंगा, है ना। मेरे बड़ी वो थी इरिटेशन सीरा, अरे कैमरे ऑन कर लो इंद्रप्रीत कौर और चारू सिंगल जी, ठीक है। अब अगला बंदा ये कह रहा है कि मेरी
मैं बड़ा अच्छे से कर रहा हूँ जी, मेरे सब चीज हो रहे हैं, मंगल के उपाय भी किए जा रहा हूँ, मेरा मंगल ठीक नहीं हो रहा, बस भाइयों से झगड़ा रहता है, भाई की शक्ल अच्छी नहीं लगती, भाई की शक्ल अच्छी नहीं लगती, नहीं लगती तो बेटा तेरा मंगल कोई ठीक नहीं कर सकता, तेरा मंगल कोई ठीक नहीं कर सकता। कुंडली के ऐसे ऐसे भाव हैं, अगर उनमें मंगल बैठा हुआ है तो इतना बलि कर देगा आपको कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट उस मंगल को ठीक रखो। तुम्हारा भाई जैसा भी है उससे बिल्कुल बना के रखो, जैसा भी है वो है ना खराब, तुम्हें थोड़ी खराब होना उसके साथ। बंदा ऐसे बोलता जी मैं तो सही हूं बट वो मेरे साथ करता है, ओ भाई तू अपने मन में द्वेष मत लाना, इग्नोर करना, भाई तो है। बंदा बोलता है मेरा टीचर खराब है जी, उसको पढ़ाना नहीं आता, भाई टीचर तो है ही ना तेरा, गुरु मान लिया तो गुरु है ही ना, बड़े बुजुर्गों से का आदर तो करना ही है ना, बुड्ढा बहुत कहां कहां करता है, बुड्ढा कौन, मेरा दादाजी। अरे जब तू बुड्ढा बोल रहा है तो तेरा बृहस्पति तो वहीं खराब हो गया ना, अपने गुरुओं के लिए मान सम्मान नहीं है तो बृहस्पति तो वहीं खराब हो गया ना, है ना। आप में से कितने लोग होंगे ऐसे, ये देख लेना, जिन्हें अपने बड़े बुजुर्गों का प्यार मिला है नहीं मिला, ठीक है, फिर इस चीज को देखना। आजकल तो खैर करेंसी खत्म हो गई है, बट लोग पैसों को अपनी पॉकेट में रखते कैसे हैं, सबसे बड़ा रीजन होगा आपके नोट उल्टे सीधे रखे होंगे, सिमेट्री में नहीं होंगे, नोटों के कोने मुड़ा हो ना आपका केतु खराब। पढ़ाऊंगा सब, पढ़ाऊंगा भी, आगे जब प्लैनेट्स पढ़ाऊंगा तो वो डिटेल में पढ़ाऊंगा, सारे सिम्टम्स पढ़ाऊंगा, आप सिम्टम देख के पहचान पाओगे बेटा। चाहिए बस मेरे को ये 11:55 पे और जो रूल्स मैंने बताए ये फॉलो करने, आपके सारे प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं एक एक चीज से, आपके सारे प्लैनेट्स के उपाय तो आप सुबह उठते ही कर लेते थे। आपको याद है पहले लोग झाड़ू लगाने वाले आते थे, फिर आप दोपहर में आते थे, आप खाना भी देते थे उनको, रोटी देते थे जो उनको देते थे, सब बड़े प्यार से देते थे, किसी को मन में ये नहीं होता था कि यार ये आ गए, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। वहां आपका राहु देवता ठीक हो जाते थे, कुत्तों को भोजन कराओ केतु ठीक हो जाते थे, कोई प्लैनेट बचता ही नहीं था आपका, है ना। बंदा ये सोच रहा है कि बीवी को चपेट मार दूं और मेरा शुक्र ठीक रहेगा, कभी नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। बीवी जितने भी झगड़ा करती है तो सोच के रखो ना, बीवी तो सभी की करती है। विपिन जी बर्तन मांजने के लिए बोले बर्तन मांज दो, कपड़े धोने के लिए बोले कपड़े धोने, भाई कर देंगे, कपड़े मशीन में धोने, मैंने थोड़ी धोने हैं, बर्तन में क्या है, बस पानी चलाओ धुल जाते हैं, है ना। ठीक है कि सिर्फ मैं एक चीजें बता रहा हूं आपको, अपने प्लैनेट्स कैसे ठीक करने हैं। बेटा मेरे इस कोर्स से ना आप अपने और अपने परिवार की चीजों का भी समझ लेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मेरा पर्पस सिर्फ बताने का ये भी है कि आप चीजों को समझ भी जाएं। ज्योतिष के लिए जो ठगी चल रही है, जो लोगों के दिमाग में ये बना हुआ है कि ये पैसा कमाने का जरिया है, मुझे कोई एक बार बता रहा था कि इतने हजार करोड़ की इंडस्ट्री है ज्योतिष ना, 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड वाइड और ये है। मैंने कहा भाई ये इंडस्ट्री नहीं है, ये तुम्हारे लिए इंडस्ट्री होगी, ब्राह्मण का बच्चा, हमारे लिए तो ये सेवा का साधन होता था, हमें तो बाद में पता चला है। पैसे मैं भी लेता हूँ यार कंसल्टेशन के, मैं भी लेता हूँ, बट मैंने कंसल्टेशन के पैसे ले लिए ना अजय जी, कि मैंने बता दिया इतना कंसल्टेशन का अमाउंट है मेरा, किसी का मन करेगा आ जाएगा, नहीं आया करेगा नहीं आएगा, बट वो तो गलत है ना। मैं मान लो किसी से बोल दूं कि 11 रुपए फीस है, फिर मैं उसको डरा के उससे 1,00,000 रुपए का बिल बना दूं, ऐसा करते हैं ना लोग। आप कितने एस्ट्रोलॉजर ऐसे, मैं तो दिल्ली एनसीआर में दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर्स को ऐसे को जानता हूँ, आप चले जाओ उनके पास, महीने में 2 ही आदमी जाते हैं विपिन जी, और 2 आदमी से ही 2,00,000 रुपए का बिल बना के छोड़ देते हैं, 2-2 लाख का बिल बना देते हैं, सिर्फ 2-3 चीजें ऐसी बोलते हैं, बंदे को डराते हैं, आप पैसे निकाल। आपके सारे ग्रह पहले के टाइम में सबके उपाय आपके दैनिक दिनचर्या में होते थे, हम आज भी उनको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं। जैसे मैं शनि देवता का बता रहा था कि एक बंदा तो 7.5 में ग्रो कर रहा है, एक मर रहा है, उसके कई रीजन होते हैं। तो ये होता है कि आपका शनि कुंडली में किस भाव में किस अवस्था में बैठा हुआ है, सबका अलग अलग बैठा होगा, और आपने उस ग्रह से रिलेटेड कैसी चीजें रखी हैं। बंदा कह रहा जी मेरी तो चाचा से बनी नहीं है आज तक, चाचा से बनी नहीं तो तेरा शनि कहां से ठीक होगा। हम हर व्यक्ति को बोलते हैं तो शनि का उपाय करने से पहले अपने मजदूरों के प्रति थोड़ी सी दया भाव जरूर रख, अपने स्टाफ के प्रति दया भाव जरूर रख। अब शुभांगी जी आप एचआर में किस पोजीशन पे बेटा, अनम्यूट करके बताओ। सर मैं सीनियर मैनेजर हूँ। आप सीनियर मैनेजर हो तो आपके नीचे मैनेजर है, चाहे उसकी सैलरी 2 लाख 5 लाख जो भी हो, बट वो भी आपके लिए शनि का स्वरूप है जी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको उससे काम नहीं करवाना है, काम करवाना है, काम बताना है, काम के लिए डांट भी देना है, कोई दिक्कत नहीं है,
बट मन में द्वेष पाल के नहीं रखना। मन में द्वेष पाल के रखोगे, मन में कालापन रखोगे तो खत्म। के आज इसने किया था ना, अब इसको रगड़ूंगी, जब इसका अप्रेजल आएगा तो यही बात ध्यान रख के इसको रगड़ूंगी। उसका ओवरऑल देखो ना बेटा क्या चीज है। मन में द्वेष नहीं रखना, क्षमा करने का भाव होना चाहिए, चाहे किसी भी लेवल का हो। अब आपका जो सीनियर होगा उसके लिए आप शनि का स्वरूप होंगे। ठीक है, मैं एक वैसे एग्जांपल बोल रहा हूँ बेटा, आपकी जगह से मैं एक वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, ये सबको समझना चाहिए कि सारे प्लैनेट हमारे इर्द गिर्द ही हैं। हम इन प्लैनेट्स को भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अगली बार से सब चीजें करेंगे। ठीक है, हम लगभग लगभग 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे। अभी जाना नहीं, क्वेश्चंस बोलो, जिसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का तरीका वही रहेगा, सिस्टम में हैंड रेस करो। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, किसी के माइंड में क्वेश्चन आता है तो ऐसा एक पेन रखा करो अपने पास, पेन रखना रेड कलर का, नया रजिस्टर डायरी बनाना, उसमें लिखना शुरू करना बेटा। ठीक है, प्लीज बताओ। इंद्रप्रीत कौर बताओ बेटा, क्या क्वेश्चन आपका? नमस्ते गुरु जी। नमस्ते, मेरा क्वेश्चन ना रिगार्डिंग क्लासेस ही था कि ये डेली मॉर्निंग टाइम ही रहेगा क्लासेस का? संडे रहेगा बेटा 11 बजे। आप नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग आपको शेयर हो जाएगी, पूजा वाले नंबर पे कर लेना, बट मैं चाहूंगा। थैंक यू गुरु जी, बस लाइव में अगर बंदे होंगे ना तो मेरा भी इंटरेस्ट रहेगा ना, ज्यादा बंदे होंगे लाइव में तो मैं भी ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाता रहूंगा। ठीक है जी जी जी, नहीं संडे कर सकती। थैंक यू विजय कुमार जी। यस सर। सर इसमें आप वर्क कुंडली भी पढ़ाएंगे सर, इसके बेसिक के बाद वर्क कुंडलियां वगैरह भी पढ़ाएंगे आप? बेटा पढ़ाएंगे, कई सारी चीजें पढ़ाएंगे आपको, राशियों से प्रेडिक्शन पढ़ाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको सुपर एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा तो वो नहीं होगा। बेसिक चीजें पढ़ाई जाएंगी, कुछ प्रेडिक्शन सिखाई जाएंगी, कुछ रेमेडीज भी बताई जाएंगी, वो आप। अच्छा, बेसिक कोर्स कंप्लीट होगा इसमें आपका जो पढ़ाया है उससे पॉइंट है तो कोई पूछ लो आप। ये सारी चीजें तो आप वैसे अलग से मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने बताया, ये मैंने कंटेंट जो आपको शेयर किया था ना पोस्टर, उसमें कंटेंट भी था, कोई बात नहीं, आपने शायद देखा नहीं होगा। यूट्यूब पे हमने एक वीडियो डाली थी उससे काफी। जैसे आप सूर्य के बारे में बता रहे थे तो सूर्य की सैटेलाइट तो इस पहले शनि पे जाती है, तो सूर्य की जो रोशनी है वही तो पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में नहीं बेटा, ना ना ना, सोलर सिस्टम में। ब्रह्मांड में नहीं, सोलर सिस्टम में हमारे में वही रोशनी जाती है, वही रोशनी रिफ्लेक्ट होके आती है तो शनि के प्रभाव लेके आएगी ना। अच्छा, पहले वो सूर्य की शनि पे जाएगी, शनि से वो चंद्रमा पे जाती है सर, शनि से फिर वो तेरे पास आएगी मिलने धरती पे, क्योंकि विजय से मिलती हूँ। अब विजय की जो राशि होगी उसी जोड़ी एक बेल्ट से जहां से घुसेगी वैसे विजय को फर्क प्रभाव डालेगी। अच्छा अच्छा, है ना? ठीक है सर, है ना? ठीक है, ओके सर, ठीक है। ठीक है, मनप्रीत कौर। नमस्ते सर। वो देख ले कभी सुन। जी सर, मैं कैलगरी कनाडा से बोल रही हूँ। सर मेरे मन में एक बात थी, काफी पढ़ा है मैंने इन चीजों के बारे में। कनाडा में कैमरा तो ऑन कर सकते हैं ना प्लीज बेटा, कैमरा तो ऑन रखा करो ना। ओह सॉरी सॉरी, ऑन था पहले, पता नहीं कैसे हो गया ऑफ। कोई बात नहीं। जी सर, मैं सिख फैमिली से हूँ, काफी छोटी थी तब से मेरे मम्मी पापा ने जैसे अमृत शक लिया, आपको पता ही होगा कि हमारे सिख रिलीजन में मतलब ज्यादा इस बात पे फोकस नहीं करते, तो लेकिन मेरा ना बिलीफ है जैसे इस बात पे ज्योतिष पे, मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति आपके अमृत चक्र पे, पता नहीं कितने लोग हैं बेटा मेरे पास तो। हाँ जी, लेकिन मैंने सिख धर्म, बेटा सिख धर्म में आपको मैं कभी बैठोगे तो बताऊंगा। सिख धर्म में हमारे गुरु जी होते थे जिनको मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ, जी गुरु गोविंद सिंह जी ना जी, उनके टाइम में कड़ा आया था जी, उनके टाइम में ही बहुत सारी चीजें आई थी, है ना जी जी, कड़ा कृपाण ये सब उन्हीं के टाइम में आई थी ना जी 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 जी। तो ये जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जब इन्होंने, वैसे बता रहा हूँ, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे वो नहीं किया था ना, धर्म परिवर्तन नहीं किया था जी जी, तो औरंगजेब थे तो उसने कहा था कि औरंगजेब ने कि जो इनके साथ बंदा सिंह जी है ना जी, बंदा सिंह दरागी का नाम सुना है आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बोले इस बंदा सिंह का ना, बंदा सिंह को कन्वर्ट करा दो, अगर बंदा सिंह कन्वर्ट हो जाएगा ना तो भी देश में बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो जाएंगे जी। तो बंदा सिंह जी और गुरु गोविंद सिंह जी थे, नहीं तो आज हम सब आप नमाज ही पढ़ रहे होते, विपिन गुप्ता जी भी कर रहे होते, अल्लाह अकबर मैं भी कर रहा होता, है ना विपिन जी? जी जी। ठीक है, तो जो बंदा सिंह जी थे उनका पूरा नाम पता है किसी को? आपको पता है? बाद में बंदा सिंह बहादुर उनको नाम दिया गया था, लेकिन पहले उनका बंदा बैरागी था। एक नाम तो बाय बर्थ मिलता है ना, जैसे आपको मनप्रीत कौर मिला है जी, आपका भी एक सरनेम लगाते होंगे ना आपके
सिंह लगा लिया, कोर लगा लिया, वो तो सारे सिख लोग लगाते हैं, आगे सरनेम भी लगाते हैं ना मेरे बच्चे। हाँ जी हाँ जी, जैसे संधु है हमारा। हाँ तो संधु लगाते हैं ना, मनप्रीत कोर संधु लगाते हो गए आप, है ना जी जी। तो ऐसे बंदा सिंह जी का क्या था बेटा, आपने तो अमृत चखा हुआ है, पढ़ो बेटा, अध्ययन करो जी जी, डीप में जाओ चीजों को, साइंटिफिकली समझो, फिर आपको पता चलेगा सिख और हिंदू धर्म तो अलग है ही नहीं, ये तो पॉलिटिकली चीजें बहुत सारी हुई ना जी। हाँ जी, सबसे बड़ा क्रेडिट जाता था हमारी इंदिरा गांधी जी को, उसको लग रहा था कि पंजाब में तुम कभी खड़े हो ही नहीं पाओगे कांग्रेस, ठीक है जी जी। बंदा सिंह भारद्वाज वाज हिज एक्चुअल नेम, भाई मतीदास, भाई सतीदास, दे ऑल वर ब्राह्मण्स और दे हैव एन डीप नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आप लोगों में से किसी ने कभी किसी सिख को देखा है जो कमजोर सा रहता हो, मतलब कमजोर इन द सेंस ब्रेन से कमजोर हो, डरता हो, लो कॉन्फिडेंस हो, हैव यू एवर सीन? नो सर। क्यों नहीं होता बेटा, इनके हाथ में कड़ा डलवा दिया जाता है, पहले लोहे का कड़ा पहनो ना राहु तीसरे हाउस में, बंदे की इंट्यूशंस काम करेंगे, बंदा वॉरियर बन जाएगा अपने आप में, त्रिपांत साथ रखो वॉरियर बन जाओगे, पगड़ी बांध के ना यहाँ पे एक सुआ जैसा डाला जाता है बाल ठीक करने के लिए, मुझे एग्जैक्ट क्या बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा उसको, ये होता है आपका पहला हाउस कुंडली का, सुआ डाल दिया, मंगल पहुंचा दिया आपने वहां पे, मंगल फर्स्ट हाउस में, बंदे में कॉन्फिडेंस की कमी होगी नहीं, कभी देख लेना सिख आपको कॉन्फिडेंस की कमी नहीं मिलेगी नहीं। मेरे पास एक कैनेडा में था आपका बंदा, उसके ट्रक चलते हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को उसका, एंड वो बोला कि जी मुझे बहुत ज्यादा डर लग जाता है, मैंने कहा दिमाग खराब है, सिख है भी कि नहीं है, कैमरा ऑन किया सब कुछ किया तो पता चला सिख था ही नहीं, जी मैं तो सिख हूँ, केश उसके पास नहीं थे, कृपाण उसके पास नहीं थी, कनाडा में शुरू में अपनी कंपनी अब तो बनी, पहले तो ट्रक साफ करने पड़ते तो निशान लग जाता था, कड़ा भी निकाल दिया, मैंने कहा पुत्र तू एक काम कर सीधी कृपाण रख ले अपने पास, तेरा कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाए तो मुझे बता दी, ये अमृत चखना पड़ेगा, अरे मैंने कहा तू रख तो सही, हाथ तो रख ले, पगड़ी बांध ले, कड़ा पहन ले, कुछ तो कर ले, ठीक है बेटा, इस बारे में फिर बात करूंगा, बहुत लंबा खींच जाएगा जी जी। जी सर, मैं यही पूछना चाहती थी, जैसे काफी ज्यादा सुना है कि जैसे मेटल्स भी हैं वो भी हम, गुरु गोविंद सिंह जी के फादर कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी, हिंद की चादर ना। हाँ जी हाँ जी 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 सर, उन्हें कूक चाहिए थी पैदा होने के लिए, पढ़ना किस कूक से पैदा हुए थे, वो क्या कूक ली थी उन्होंने, ठीक है ओके सर, ठीक है, वो पढ़ना। और ये कभी देखना जो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी जो बहुत सारी चीजें हैं ना बेटा, जो लोग गुरु गोविंद सिंह जी माँ महाकाली का यज्ञ भी करते थे, वो माँ देवी के उपासक भी थे, ये तो गंध मचा दिया, मैं बता रहा हूँ ना लोगों ने, पॉलिटिक्स ने गंध मचा दिया हर धर्म में, लोग पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और भाग रहे हमारे गुलाब जी है देखो ये सिख है एक तरीके से, सर काफी कंफ्यूजन है, जैसे हमारे ना यहाँ पे एक पाठ होता है चंडी की वार का पाठ, देखो बाकी लोगों के क्वेश्चन रह जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। सर मैं यही पूछना चाहती थी कि जैसे प्लैनेट्स को मेटल्स भी इफेक्ट करती, जैसे कहते अगर सूर्य खराब है तो आप जैसे गोल्ड पहनो, अगर चंद्रमा खराब है चांदी पहनो, खराब कर जाती है। आपने आजकल देखा होगा ना घड़ियों का एक कोर्स चलता है, ऐसी घड़ी बांधो ऐसी घड़ी बांधो ना। जी जी जी, कल एक बंदे ने जिसने डीप नॉलेज ली उसी से मैं ऐसे ही बात कर रहा था, उसी को उधेड़ रहा था जी जी, हर चीज का फैक्टर पड़ता है बेटा, देखना पड़ता है ना। ओके विजय कुमार जी, ओके थैंक यू सर। सर हो गया मेरा, हो गया। करण शर्मा जी, जिसका हो जाए वो डाउन भी कर लेगा बेटा। करण बताओ। सर मैं ये पूछना चाहता था कि ये एस्ट्रोलॉजी वाला ये लाल किताब के है, वैदिक है, ये कौन सा कोर्स है? बेटा मैं कोई भी कोर्स ऐसे नहीं कराता हूँ, मेरे सारे कोर्स ना मिक्स होते हैं, सामने वाले को जब आप प्रेडिक्शन दे रहे हो ना ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी चीज से लगा के विद्या लगा के दे रहे हो, सामने वाले को रिजल्ट मिलना चाहिए। लाल किताब का मेरा कोर्स कर रहे हैं कौन है? सपना, आप लाल किताब का कोर्स कर रहे हो? स्वाति मेश्राम, आप कोर्स कर रहे हो? लाल किताब राशियों को नहीं मानती ना, मैं तो राशियां भी पढ़ाता हूँ, लाल किताब राशियों को नहीं मानती, मैं पढ़ाता हूँ, मैं प्रेडिक्टिव वाला कोर्स कराता हूँ, उसमें नाड़ी भी है, उसमें वैदिक भी है, उसमें सब डाल रखा है मैंने, ये एक अलग से, इसमें भी सब डाल रखा, ठीक है, आपको जो देना है मैंने उस तरीके से बताना है, समझ में ना आए तो बताना, आपका मेन पर्पज ये होना चाहिए आप चार्ट देख के यू कैन गिव रिजल्ट्स। अब देखो बच्ची को मैंने बताया ना, मनप्रीत को ये बेटा उनके जो इंट्रोड्यूस की गई थी ना चीजें कड़ा वगैरह, वो करी ही इस पर्पज से थी, सिख कौन थे? दे आर वॉरियर्स। सुना है कभी सिखों के 12 बज जाए 12 बजे सिखों के, वो सावधान रहा करो 12 बज गए 12 बज गए, सुना है ना पागल हो जाते हैं सिख, पागल वागल कुछ नहीं होते, 12 बजे गोरिल्ला युद्ध होता था, युद्ध वही कर सकता था जो पावरफुल लोग थे, जिसका कॉन्फिडेंस हाई था, जिसको अपने ऊपर विश्वास था, पावरफुल लोग ही कर पाते ना, ऐसे तो कोई भी नहीं कर पाएगा ना लड़ाई, तो
किसमें इतना कॉन्फिडेंस होगा, जाके मरने के लिए चला जाएगा, मार भी आएगा और मर भी चला जाएगा, है ना? क्या बोला था गुरु जी ने, 1,25,000 से? मनप्रीत बताएगी। 1,25,000 से लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह करूं नाम कराऊं। शुभांगी करण बेटा क्वेश्चन हो जाने तो हैंड डाउन करना, आप ही का काम है बेटा, बोलना ना पड़े दोबारा। दीप्ति कपूर सर मुझे आपसे ये पूछना है कि हम कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं, मैंने लाल किताब पढ़ने की कोशिश की है। बच्चे दीप्ति ना कोई बुक लेनी है, मैं हर कोर्स में ही बोलता हूँ पूछ लो जो जो मेरे पास एडवांस एक दो बंदे हैं। नहीं नहीं सर एक मिनट, एक्चुअली क्या है कि हर कोई कैपेबल नहीं होता आगे पढ़ने के लिए, मतलब एवरीवन इज नॉट फाइनेंशियली मतलब दैट स्ट्रांग, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। दो तरीके बेटा, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, लो कंफ्यूज हो कुछ भी करो, दैट विल बी योर चॉइस। बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, देखो कंफ्यूज हो, दैट विल बी योर चॉइस। मैं सेल्फ सफिशिएंट चीजें आपको दूंगा इसमें। पेन लिखना है, पेपर रखना है, बाद में अपने नोट्स बनाने हैं, जरूरत नहीं किसी भी बुक की। ले लो 500 बुक पढ़ लो, मुझे बता देना कितनी नॉलेज मिल जाती है, कितना सीख जाते हो। नहीं एक्चुअली मैंने 1942 वाली बुक्स पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन कुछ समझ नहीं आया। पढ़ लो बेटा बहुत जल्दी सीख जाओ। नहीं लेकिन समझ ही नहीं आया उसमें से कुछ, तभी तो बोल रहा हूँ बेटा बहस करोगे तो मैं यही बोलूंगा ना, मैं मना कर रहा हूँ मतलब, फिर आप कह रहे हो नहीं मैंने ले ली, बहुत अच्छी बात है बेटा ले ली तो, बट स्टिल सेइंग दीप्ति कि नहीं है उसमें, लेने के बाद आपने खुद लिए कोई एक्चुअली कोई फायदा नहीं होगा। नहीं हुआ। 1942 वाले के दोनों सेट लोगे 1500-3000 की बुक है, वो 1500-1500 की एक बुक है, 3000 रुपए में करवा दूं, किस लिए करवा दूं, फिर लास्ट में आपने बोलना यही है मुझसे क्यों आप भरवाना चाहते हो आप, जब मैं मना कर दिया एक बार तो सफिशिएंट है, एक बार में समझ में आना चाहिए ना बेटा, जरूरत नहीं है बेटा कंफ्यूजन रहेंगे, मना कर दिया तो सफिशिएंट है। सर हाथ में जैसे कड़ा पहनना चाहिए कौन सा पहनना चाहिए, तीन धातु का या कोई एक धातु का? कड़ा बेटा डिपेंड करता है आपको, ये हम आगे पढ़ेंगे, आप आगे के क्वेश्चंस पे ना जाओ, अभी कड़ा डिपेंड करता है आपके 11th हाउस में क्या है। दीप्ति कैमरा ऑफ क्यों कर लिया बेटा, काम खत्म हो गया, क्लास ओवर हो गई, इंद्रप्रीत क्लास ओवर हो गई बेटा। कड़ा डिपेंड करता है आपके, जब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा ना उसको भी ध्यान से सुनो, आपको उसमें से भी सीखने को मिलेगा। कड़ा डिपेंड करता है आपके 3rd हाउस में कौन सा प्लेनेट है, आपके 11th हाउस में कौन सा प्लेनेट है और आपके 12th हाउस में कौन सा प्लेनेट है। कड़ा पहनना हाथ में मौली पहनना सीधा आपके 11वें भाव को जो कि आपका लाभ का भाव होता है उसको जागृत कर देता है, ठीक है। शुभांगी जी क्या प्रश्न बेटा आपका? सर मुझे आपसे पूछना है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी लाल किताब या न्यूमरोलॉजी जो भी ये सारी फील्ड्स हैं इसमें अगर हम जाएंगे तो क्या ये चीज भी हमारे चार्ट्स में होती है, इसलिए हम इन चीजों के प्रति आज आप समझो ना, मैंने बताया ना 150 लोग है ना, 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन था ना और था भी फ्री, फिर भी ज्वाइन नहीं कर पाए, कुछ लोग आज भी लेट के कैमरा बंद करके कर रहे हैं, कुछ लोग जो ढंग से सीखना चाहते हैं ढंग से लगे हुए हैं वो बिल्कुल अलर्ट होके सीख रहे हैं और नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। आपका प्लैनेट एक्टिव है तभी आप इस लेवल तक पहुंच पाए बेटा, तभी चीजें कर पाओगे, नहीं तो बहुत सारे लोग बंद करेंगे, छोड़ना यार फ्री तो था, सीख लिया इतनी देर मजे कर लिए, एक घंटा टाइम पास हो गया संडे को, बीवी की झिकझिक से बचे रहे, बच्चों की झिकझिक से बचे रहे, चॉइस आपके पास है। कुछ लोगों के लिए बड़ा वो है कि माँ सरस्वती की कृपा हुई है जो आज हम लिख पा रहे हैं चीजों को, नोट्स कर पा रहे हैं, सारी चीजें कर पा रहे हैं, है ना बेटा। थैंक यू अमित कुमार जी। जी चरण स्थान गुरु जी आशीर्वाद बेटा बताओ। जैसे आपने बताया कि पहले के जमाने में लोगों को मालूम नहीं होते थे कि उनके टाइम ऑफ बर्थ क्या है, तो इसमें हम वो भी जान पाएंगे क्या, मतलब इनके पते नहीं होंगे क्या करे बेटा? टाइम ऑफ बर्थ जैसे आपने बताया पहले के लोगों को नहीं पता होते थे, तो इसमें भी अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, तो क्या हम इसमें उस चीज के बारे में जान पाएंगे क्या? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, बहुत एडवांस का क्वेश्चन पूछ लिया हाँ, बट उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को हम जान पाएंगे, हम बहुत सारी चीजों को महसूस कर पाएंगे। मैं अभी एक दो क्लासेस में बता दूंगा कि आपको खुद पता चल जाए आपके प्लैनेट्स कौन सा खराब हो रहा है कौन सा ठीक है, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि प्लैनेट की सिचुएशन क्या है, आपको फील होगा कि हाँ यार इस प्लैनेट से रिलेटेड मेरे को हर प्लैनेट दस आपको सिग्नल्स दे रहा होता है। आपने देखा घरों के लोगों के घरों पे पीपल उगाते हैं छतों पे जी, वैसे पीपल का पेड़ उगाओगे ना आप, पीपल का पेड़ ले जाओ प्लांट करो नहीं उगेगा, बहुत मुश्किल से चलता है वो, घर पे अपने आप ही उग गया, ना उसको किसी ने पानी दिया ना उसको किसी ने खाद डाली। आप एक पौधा लगा दो पीपल का, आप उस पर खाद डाले जा रहे हो सब कुछ करे जा रहे हो, नहीं हो रही चीजें, ठीक है।
वो सारी हर चीज के सिग्नल होते हैं, मैं बकड़ाऊंगा ना, वही तो बोल रहा हूँ आगे। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास एक सुंदर सी गाड़ी है, इसमें बैठा के घुमा के लाऊंगा। आप कह रहे हो नहीं, मैं तो गाड़ी को पहले आगे से देखूंगा, पीछे से देखूंगा, चलने नहीं दोगे तो फिर देखते रहो। ठीक है जी, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, सभी को जय माता दी, बहुत बहुत आशीर्वाद। गोपी चंद वालिया जी, जय माता दी सर, जय माता दी, जय माता दी सर, जय माता दी सर, जय माता दी।